हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्ति गेमर यूट्यूब चैनल। तो आप लोग अचंभे में होंगे कि मैं पूरा वर्ल्ड छोड़ के इस एक ब्लॉक पे क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट की सीरीज। तो इस सीरीज में होने वाला है काफ़ी ज़्यादा फन, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी पूरी सीरीज देखोगे। पर उससे पहले इंट्रो देख लो, तभी वीडियो शुरू करते हैं अपनी। इस वर्ल्ड में होता क्या है, यहाँ पे एक ब्लॉक दिया होगा जिसको हम लोग तोड़ेंगे तो नीचे चले जाएंगे। अबे क्या पहले ही चांद में पोपट कर दिया, मर गए हम पहले चांद में दोस्तों, मुबारक हो। दूसरी बार तोड़ने की ट्राई करते हैं, दूसरी बार भी ना मर जाए। अबे क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो अभी फॉरेस्ट लिख के आया है, तो अब शायद हम लोग ना गिरे ऊपर से। एक बार फिर से तोड़ के देखते हैं। ए भगवान, अब की मत गिराना वरना वीडियो का पोपट हो जाएगा पूरा का पूरा। और अब की बार नहीं गिरे हम लोग। चेस्ट आ गया भाई लोग, और चेस्ट में कुछ भी ढंग का नहीं है, केवल दो सीट है पंपकिन के, वो भी। तो इसमें हमको चेस्ट भी तोड़ना पड़ता है, चेस्ट अपने आप नहीं जाता है। देखो जैसे दूसरा ब्लॉक आ गया, अभी नहीं गिर रहे हम लोग क्योंकि तभी फॉरेस्ट लेवल पर नहीं लगा था, इसलिए हम लोग गिर रहे थे। तो अभी तोड़ हम ताड़ी शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक आने वाले हैं अलग अलग तरह के। तो तोड़ते तोड़ते हमारे पास इतने ब्लॉक हो चुके हैं कि हम लोग यहाँ से स्टैंडिंग कर सकें। अरे यार गलत मीनिंग बोल दी, तो मतलब स्पैंडिंग कर सकें यहाँ से। तो ऐसे ऐसे करके हमारी जगह थोड़ी बहुत बड़ी होती रहेगी, और घास कितनी जल्दी फैल रही है अपने ब्लॉक। तो गाइज, जो कि ये वन ब्लॉक है तो यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होने वाली है नहीं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी स्पैंडिंग करते हैं ताकि मॉब्स को स्पॉन कर सके यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ग्रास पूरे में फैल जाएगी तो यहाँ पे सीप और गाऊ वगैरह, गाऊ क्या होता है भाई, गाऊ हिंदी में होता है, सॉरी गाइस गाऊ नहीं काऊ वगैरह समन होंगी यहाँ पे। और हम जब माइनिंग कर रहे थे तो यहाँ पे एक गाय आई थी, पर गलती से हाथ लग गया और वो नीचे चली गई। पर अभी देखो यहाँ पे एक नया मेहमान आ चुका है। और भाई कुकड़ क्या हालचाल, तो पीकॉक तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, अरे मतलब कॉक, भाई गलत मीनिंग निकल गई फिर से। मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश ही क्यों करता हूँ जब गलत मीनिंग निकलती है मुँह से। तो अभी आगे की वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो आइए महाजनों, हम लोग यहाँ पे पुष्पों का समायोजन करते हैं। तो सूर्यमुखी को चाहे जैसे ही लगा दो, वो सूर्य की तरफ ही मुख करके खड़ा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक और फ्लावर है, और इसका नाम है कॉर्न फ्लावर। कॉर्न फ्लावर मतलब भुट्टे वाला फ्लावर, पता नहीं इसका। और भाई क्या हालचाल, अबे भाई तू पंपकिन का सीड भी खाता है, किस किस चीज़ के भाई सीड खाता है तू? कुछ नहीं मिला तो पंपकिन का सीड भी खा जाएगा, चलो कभी ना कभी दे दूंगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हर जगह घास फैल जाएगी तो मैं अपने ये वन ब्लॉक को पहचानूंगा कैसे, हर जगह घास फैल जाएगी तो ये गायब हो जाएगा ना भाई। कुकड़ तो यार, तो अपना वन ब्लॉक हमको पहचानने में आया, इसलिए इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक और चेस्ट आ गई, इस चेस्ट में क्या है, पानी है और आइस है, पानी दे दिया। चलो कोई नहीं, इसका हम लोग अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेंगे। और दो सैपलिंग भी दिए हैं हमको, दोनों अलग अलग पेड़ के सैपलिंग है, एक बरचूड का है एक ओक लोक का है। तो इन दोनों सैपलिंग को एक एक कोने पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, तो सही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ निकलेंगे तो हमारा आइलैंड अच्छा लगेगा। और वापस से चेस्ट तोड़ो भाई, चेस्ट भी तोड़नी, अंडरग्राउंड पे आ गया, अभी डायमंड वगैरह मिलेंगे, बिड़ू लोखंड डायमंड सब मिलेगा यहाँ पे। तो अभी डाल देते हैं चारकोल बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मॉब भी स्पॉन हो सकते हैं, तो भाई मतलब ख़तरनाक वाले मॉब स्केली वगैरह। तो चारकोल बनाने के लिए डाल देते हैं, वरना स्केली वगैरह आ गए तो हमारा वन ब्लॉक टू ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नहीं समझे ना, मैं आगे समझाऊंगा कभी ना कभी। तो कुकड़ भाई क्या हालचाल, वापस से पूछने आ गया मैं। तो हमारा अभी अंडरग्राउंड लेवल पे चल रहा है काम, अभी तक एक भी डायमंड नहीं मिला है पर तोड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोल और आयरन वगैरह मिल रहा है, तो डायमंड भी मिलना चाहिए क्योंकि अंडरग्राउंड पे है ना, शायद केव वाले में भी मिले हमको। तोड़ हम ताड़ी प्रक्रिया फिर से चालू करते हैं, और क्या आयरन मिल गया हमको दोबारा, देख रहे हो इसमें आयरन भी मिलता है, मतलब सब कुछ मिलता है इसमें, अंडरग्राउंड लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बस ज़्यादा नहीं, एक डायमंड आर्मर बनाने के लिए मिल जाए, तोड़े उसको भाई। अरे भाई साहब ये क्या हुआ अभी अभी, अरे भाई बिल्कुल अंदर तक मैं हिल गया भाई, क्रीपर ने तो कांड ही कर दिया, इतना ज़्यादा मैं आज तक कभी नहीं डरा माइनक्राफ्ट की वीडियो में भाई। आज के बाद क्रीपर के चरण धो लूँगा मैं भाई, हार्ट अटैक आते आते बच गया।
चलो वीडियो यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि अच्छा खासा कांड हो गया आज। तो ख़त्म करने से पहले हमको एक और काम करना है यहाँ पे। सबसे पहले अपना सारा सामान यहाँ पे रख देते हैं, फिर चलते अपने मुर्गे के पास। मुर्गे भाई, मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। नहीं निकला, चल भाग, तेरी किस्मत ही ख़राब है भाई, तेरे लिए सरप्राइज कोई नहीं आएगा। अंडा फोड़ा वो भी ख़राब था। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर क्रीपर नहीं आता तो थोड़ी और वीडियो बनती आगे। पर तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।